लगता है ये तो तुम्हारा दीवाना हो गया है, रोजाना तुम्हारे रास्ते में खड़ा होता है। बस देख लो मेरी बात ही कुछ ऐसी है। इसकी गाड़ी देखो कितनी कीमती लग रही है ना। गाड़ी छोड़ो, आप में मोबाइल देख रही हो ना, कम से कम 50-60 हजार का तो होगा ही। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी नहीं, अब लगने ही वाली है। बाजार से नंबर ले लिया है मेरा, बस फोन की देर है। चलो सफर, चाय पीते हैं अंदर। नहीं यार, अभी मूड नहीं हो रहा। अरे मीटिंग से वैसे ही सर में इतना दर्द हो गया, आ जाओ। चलो तुम कहती हो तो चलते हैं। वैसे मीटिंग अच्छी हो गई, बिजनेस भी हमें मिल गया, बॉस भी खुश हो जाएगा। मगर हमें क्या मिलेगा, ना सैलरी बढ़ने वाली है ना कोई बोनस, कुछ नहीं रखा इस नौकरी में। हाँ यार, जितनी भी मेहनत कर लो मिलना मिलाना कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूँ रिजाइन कर दूँ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सफर, अच्छी गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ तो बना लिया है तुमने। अरे मोहतरमा, सिर्फ जॉब से ये सब नहीं बनाया, और भी बहुत काम करते हैं। और भी बहुत से काम? क्या मतलब, सोना स्मगल करते हो? मौका नहीं मिला, वरना वो भी कर ले। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, नोटों की खुशबू उससे कुछ भी करा सकती है। वैसे आजकल कर क्या रहे हो तुम? बैंक से लोन दिलवा रहा हूँ लोगों को 10% पे। अगर तुम्हें 10-20 लाख का लोन चाहिए तो मैं तुम्हें 5% पे दिलवा दूंगा। ना बाबा ना, 5% तुम रख लोगे, बाकी वो बैंक को सूद भरती रहूं तो मेरे पास क्या बचेगा? सोच ले, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अरे ना बाबा ना, मैं इन चक्रों में नहीं हूँ पढ़ने वाली। चलो एक ऑफर करता हूँ तुम्हें, कोई कारोबारी पार्टी पकड़ो जिसके डॉक्यूमेंट मजबूत हो, लोन मैं दिला दूंगा, 5% तुम्हारा, 5% मेरा। 5%? तुम कहो तो वो पार्टी के डॉक्यूमेंट्स पर लोन लेके हड़प जाए हम। वो कैसे? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे 5% भी कुछ कम नहीं होते। चलो फिर डन। डन है, देखती हूँ कोई पार्टी। ठीक है। हेलो जी, कौन? खुद पहचान लीजिए। देखिए जनाब, मेरे सेल फोन में आपकी तस्वीर तो आ नहीं रही, तो कैसे पहचानूं आपको? वाह जनाब, वैसे तो आप मुझे रोज देख देख के मुस्कुराती हैं, और आप पहचान नहीं रही हैं? देखिए मुस्कुराना तो मेरी आदत है, लेकिन आप निहायत ढीठ और बेहुदा इंसान है, कोई और काम नहीं है आपके पास? अरे बाबा आप तो नाराज हो गए यार, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। जनाब मैं भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे आप? अच्छा अच्छा, आप खफा क्यों हो रही हैं? मैं सईद बात कर रहा हूँ। सईद, आपको मेरा नंबर मिला कहाँ से? क्या बताएं भाई, बड़ी मुश्किल से हासिल किया आपका नंबर। वो कहते हैं ना, नियत साफ तो मंजिल आसान। देखिए जनाब, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। दरअसल बात यह है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ आपको। जी? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी दरख्वास्त प्लीज कबूल कर लें, यकीन जाने मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। देखिए सईद साहब, ये बातें मुझसे करने की नहीं है, आप प्लीज मेरी अम्मी से रब्ता कीजिए। हेलो, मेरी बात,
सीरियसली। उफ। क्या बात है भाई, आज बहुत मुस्कुरा रही हो तुम पागलों की तरह। जनाब जिसका था इंतजार फंस गया है वो शाहकार। जनाब सईद साहब ने प्रपोज किया है मुझे। ओ, तो इसका मतलब है कि हम बहुत जल्द घर शिफ्ट करने वाले हैं। जी। ताज, ताज का फोन आ रहा है, चलो रिसीव करो। हेलो जी, कौन? जी मैं ताज। ताज, सॉरी मैं पहचानी नहीं आपको। इतनी जल्दी भूल गई आप? मैं ताजुद्दीन बात कर रहा हूँ, ताज ट्रेडर्स का ओनर। वो LCD लिया था ना आपने? अच्छा अच्छा जी, ताजुद्दीन साहब फरमाइए, कैसे फोन किया आपने? बस वैसे ही, मेरा मतलब है कि LCD के बारे में पूछना था, सही चल रहा है, कोई कंप्लेन तो नहीं? कंप्लेन? हाँ वो कुछ चैनल साफ नहीं आ रहे हैं। जी बस मैं अभी कुछ ही देर में आपके पास पहुंचता हूँ उसे ठीक करने। चलें ठीक है, फिर आ जाएं आप। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ताज भाई, आज की तारीख में रिमोट ठीक हो जाएगा ना? It's almost done. Okay. आप भी चेक कर ले, मैंने सारे चैनल सेट कर दिए। थैंक यू। My pleasure. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक। ये मैंने चैनल्स की सारी सेटिंग कर दी। शुक्रिया बेटा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। जब भी कोई मसला हो या जब भी कोई काम हो आप मुझे याद कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्यों नहीं, जरूर जरूर, तुम्हें ही कहूंगी। और वैसे भी हमारी जान पहचान यहाँ किसी से भी नहीं है, 2-3 महीने तो हुए हमें यहाँ आए हुए। आपकी खिदमत करके तो मुझे खुशी होगी, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, जाओ बेटा, ताज भाई को बाहर गेट तक छोड़ कर आओ। चलिए ताज भाई, बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। और मारुख, तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुँची? बस अम्मी जी, तैयारी तो हो गई है, अब आपका काम है। तुमने अच्छी तरीके से तसल्ली तो कर ली है ना? जी अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैंने अच्छी तरह से तसल्ली कर ली है। चलो सही है। अरे नहीं नहीं, माशाल्लाह से आपका घर भी बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छी हैं। चलो, आपको घर अच्छा लगा बस ये बड़ी अच्छी बात है, और आपकी बेटियाँ बड़ी प्यारी हैं, आपने उनकी तरबियत बहुत अच्छी की। और ये बताओ, आपने किसी बेटी का रिश्ता भी किया या अभी तक ऐसे ही बिठाया हुआ लड़कियों को? बस माँ होने का फर्ज तो निभाना है ना मुझे। नहीं अभी तक तो मेरी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, अगर बीच में कोई रिश्ता अच्छा आ जाएगा तो मैं कर दूंगी। बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। हेलो। हाँ अरे बेटा तुम बैठो, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ आती हूँ। अल्लाह ने चाहा तो बेटियों के रिश्ते भी आएंगे और अल्लाह नसीब भी तुम्हारी बेटियों के अच्छे करेगा। चलो मैं चलती हूँ, जरा भांजा आया है ना, मुझे बुला रहा है। अरे बैठो ना, चाय तो पी के जाओ। मारुख बेटा, आंटी के लिए चाय लेकर आओ। अरे नहीं भाई, चाय वाय नहीं पी रही, भांजा आया भाई, वो इंतजार कर रहा है। अब तुम आना ना हमारे घर चक्कर लगाना। चलो ठीक। मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया आंटी, इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं। माजरत के साथ बेटा, तुम्हें बार बार बुलवाना पड़ता है क्योंकि कुछ चैनल नहीं आ रहे थे ना, इस वजह से। मैं ऐसा करता हूँ कि केबल वाले को बुलवा लेता हूँ, वो ट्यून करेगा तो सारे चैनल एडजस्ट हो जाएंगे। शुक्रिया मेरा बच्चा, वैसे तो मैं बार बार तकलीफ दे रही हूँ, तुम अपनी दुकान से बार बार यहाँ आते हो। नहीं नहीं आंटी,
दुकान पर दो दो मुलाजिम। अच्छा मारूख, बेटा तो आज के लिए चाय लेकर आओ। जी अम्मी। और सुनाओ, कारोबार तो तुम्हारा अपना है ना? जी आंटी, कारोबार, दुकान, मकान सब अपना है। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना कारोबार एक्सटेंड करूँ, कहीं से 25-30 लाख रुपए का रेंज हो जाए तो मैं दूसरी ब्रांच भी खोल लूंगा। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करोगे तुम? बस आंटी, कोशिशों में तो लगा हूँ लेकिन कहीं बात बनती नजर नहीं आ रही। आप दुआ करें कि कहीं से बंदोबस्त हो जाए पैसों का। वैसे मैं तुम्हें 50 लाख लोन दिलवा सकती हूँ। 50 लाख? 25 तुम्हारे, 25 मेरे। जी, मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मुझे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करना है और मेरे पास पैसे नहीं है, ना मेरे पास मकान के डॉक्यूमेंट्स, ना कोई कारोबार। तो फिर? देखो, कारोबार तुम्हारा अपना है, तुम्हारी दुकान के कागजात रखवा के मैं लोन दिलवा दूंगी तुम्हें। इस तरह से तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी, और हर माह तुम्हें लोन की किस्त बाकायदगी से अदा करती रहूंगी। क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा, मुझ पे भरोसा नहीं, तो मैं बुरा नहीं मानूंगी तुम्हारी बात का। नहीं आंटी, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है, मैं तो कुछ और सोच रहा था। क्योंकि आप जो कह रही हैं उसमें तो मेरा ही फायदा है। ठीक, मुझे मंजूर। फिर भी तुम एक दफा और सोच लो। कारोबारी आदमी हो आंटी, वैसे भी कारोबार में सही वक्त पर सही फैसला ही फायदा पहुंचा। बस आप मुझे एक दो दिन दें, मैं कागजात आप तक पहुंचा दूंगा। मारो, चाय ले आओ बेटा। आज तो आपको खाना खाए बगैर मैं जाने नहीं दूंगी। अरे भाई, खाने वाने की कोई बात नहीं है, फिर कभी खा लेंगे। आज मैं तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आई हूँ। हाँ हाँ, क्या जरूरी काम है? बल्कि आप हुक्म करें। देखिए मैम, मेरा भांजा जो सईद इसी महल्ले में तो रहता है। हाँ, वो जो उस दिन फोन आया था जिसका। हाँ वही, दरअसल आपकी छोटी बेटी है ना रक्षी, वो उसे पसंद आ गई है, इस सिलसिले में आया था वो मेरे पास, शादी करना चाहता है आपकी बेटी से। अच्छा, तो फिर उसने अपने घर वालों को क्यों नहीं भेजा आपके साथ? अरे बहन, क्या बताऊँ, माँ बाप दोनों फौत हो चुके हैं, एक लौती औलाद है, दुकान मकान घर अच्छा खासा बैंक बैलेंस उसके नाम पे है, बस वो अपना घर बसाना चाहता है। अच्छा, वो करता क्या है, कितनी तालीम है उसकी? देखो बहन, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, इंटर किया है उसने और अपना कारोबार शुरू करना चाहता है। चले, मैं सोच के बताती हूँ आपको। वैसे मैं हर तरह की गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, सईद बहुत अच्छा लड़का है, अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं तो एक मिनट ना लगाती रिश्ता करने में। चले, आप कह रही हैं तो फिर अच्छा ही होगा, कल शाम को ले आइएगा आप चाय पर उसे। ठीक है, मैं उसे कल शाम को तुम्हारे पास भेज दूंगी, मिल लेना और खूब अच्छे तरह तसल्ली कर लेना। ठीक है, फिर आऊंगी, फिर बात करेंगे। सुनो, कल शाम को मैंने सईद को चाय पे बुलवाया, मैं उसे अच्छी तरह से तोलना चाहती हूँ। तो अम्मी, हम लोग सामान पैक कर लें फिर? सबर कर जाओ, सबर, बहुत जल्दी है तुम्हें। याद है ना, पहले भी तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से कितने सारे मामलात बिगड़ चुके थे और वहां से खाली हाथ आना पड़ा हमें। एक बात तो बताएं अम्मी, ये ताज के केस का क्या बनेगा? उसको तो आप लोन दिलवा रही हैं ना? तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अरे पागल, अगर हम उसे लोन दिलवाएंगे तो वो हमारी जेब में ही आएगा ना, या फिर वो अपनी दुकान बेचकर हमें पैसे देगा। हाय बेचारा सईद, हाय बेचारा ताज। फिर तुम दोनों का छछोरापन शुरू हो गया। देखो, सईद के सामने कोई ताका झांके या हाहा ही नहीं होगा, समझी? इस दफा मैं तुम्हारी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी, इस दफा तो मैं लंबा हाथ मारना चाहती हूँ, लंबा हाथ। वैसे बेटा, तुम्हारे बारे में तुम्हारी खाला ने मुझे सब कुछ बता दिया, और वैसे भी मुझे तुम बहुत पसंद हो। और हाँ देखो, ना तो तुम्हारी नौकरी है, ना कोई बिजनेस, और इस तरह से बैठे बैठे तो कारून का खजाना भी ख़त्म हो जाता है। आंटी, मेरा बिजनेस करने का इरादा है, मैंने
अभी अपनी दुकान बेची है पूरे 50 लाख की। अच्छा, क्या बिजनेस करना चाहते हो? दरअसल आंटी, मेरा बिजनेस में कोई तजर्बा नहीं है, इसलिए अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा कि करूँ तो क्या करूँ। अच्छा, कुछ लो ना। जी जी बिल्कुल, आप भी लें। देखो बेटा, तजर्बा तो काम करने से ही आता है ना। मुझे देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में काम करते हुए अच्छा खासा तजर्बा हो चुका है। अगर मेरे पास पैसे होते तो कब का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर चुकी होती। तो आंटी, कारोबार स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा? यही कोई 40-50 लाख रुपया। हाँ तो ठीक है आंटी, आपके पास तजर्बा है और मेरे पास पैसे। अरे नहीं नहीं बेटा, लोग क्या कहेंगे कि होने वाले दमाद से पैसे लेके मैंने बिजनेस किया है। नहीं नहीं आंटी, लोगों को भाड़ में डालें, और वैसे भी ये मेरा और आपका आपस का मामला है। लेकिन फिर भी एक दफा और सोच लो तो। आंटी सोचना मोचना क्या, आप जो भी मेरे लिए करेंगी बेहतर ही करेंगी। अच्छा आप एक काम करें, अपना बैंक अकाउंट नंबर मेरे सेलफोन पे भेज दें, मैं सुबह ही आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा करा दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? लेकिन कैसा? देखो बेटा, मेरे साथ 2 लड़कियों का साथ है, और मैं लोगों को मौका नहीं देना चाहती बातें बनाने का। जब तक तुम्हारा निकाह रक्षी से ना हो जाए, इस कारोबार के बारे में और रिश्ते के बारे में किसी से जिक्र मत करना। ठीक है आंटी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अच्छा आप ये बताएं कि निकाह कब करना है? यही कोई अगले महीने की कोई भी डेट फाइनल कर लेंगे। ठीक, मुझे मतलब।